रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्तियों के लिए इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जैसे केंद्रों की स्थापना को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर जोर देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर सरकार के समर्थन और प्रतिबद्धता को लेकर अपने समर्पण की पुष्टि की है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि विकलांग व्यक्तियों और इस क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए 2021 से 2025 तक के लिए 844 करोड़ रुपए के आवंटन पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि SCI दिवस के लिए ISIC में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें व्हीलचेयर रैली, नुक्कड़ नाटक, व्हीलचेयर के साथ नृत्य और मुफ्त स्वास्थ्य जांच के साथ स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिए गए। इसके साथ ही व्हीलचेयर रैली में व्हीलचेयर पर सैकड़ों PWSCI की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्हें मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ISIC में स्पाइनल सर्विसेज के चीफ डॉक्टर विकास टंडन ने कहा, SCI दिवस जो हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम करता है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में बात करते हुए चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर सुगंध आलूवालिया ने कहा कि ISIC सक्रिय रूप से उपयुक्त पदों के लिए PWSCI और अन्य विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहता है। ISIC की चेयरपर्सन भोली आलूवालिया ने इस वर्ष के SCI दिवस की थीम SCI सेवाओं तक पहुंच कम जटिल जीवन के तहत SCI रोगियों के लिए संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सो SCI डे की एक बहुत महत्वता है। SCI डे का मतलब ये होता है, हम ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये अपनी सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि ये जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं या जो 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 कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स हैं, जो कि पैराप्लेजिक हैं, जो क्वाड्रिप्लेजिक हैं, वो हमसे अलग नहीं है और उनको भी उतना ही जीने का हक है जैसे कि हम लोगों को हक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बनाने का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उनको हम अपने आसपास के लोगों को समझा सकें कि हमसे अलग नहीं है, इनको भी उतना ही हक है, इनके भी उतने ही तो इसको एडवोकेट करने के लिए हमको चाहिए कि इनके लिए आसपास की जो हमारी जगहें हैं उनको एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि हमारे ये जो जितने भी मरीज हैं वो हर जगह आ जा सके बिना किसी रोक टोक के। गवर्नमेंट पॉलिसीज को काफ़ी चेंज होना पड़ेगा, वोकेशनली इनको काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि इनको नौकरियां मिल सके, तभी ये इक्वलिटी आ पाएगी। नहीं तो ये हमेशा ये एक वो बना रहेगा कि ये डिसेबल्ड हैं और ये वो या स्पेशली एबल्ड हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको आपस में गवर्नमेंट के थ्रू इस तरह से एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दें ताकि ये हमारे अंदर हमारी सोसाइटी में आराम से आ सके। सर, अपमेंट दैट ISIC प्रोवाइड्स, बट इट्स अ जर्नी, इट्स अ होप, जॉय दैट वी प्रोवाइड इन द वॉल्स ऑफ ISIC। जो हमारा USP है, जो हम हमेशा बोलते हैं, इज दैट दिस हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल व्हिच वाज मेड एंड डिजाइन बाय अ पेशेंट फॉर द पेशेंट। वी डोंट ओनली ट्रीट आवर पेशेंट्स विद आवर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज बट ऑल्सो कंपैशन। दैट वॉज द फिलोसफी दैट दिस सेंटर वॉज बिल्ट ऑन, एंड दैट इज द लेगेसी दैट माई मॉम एंड आई अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ISIC टीम आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट्स हियर। The SCI movement, every year we see that is gathering momentum, it's gathering speed, and I hope that through the media it plays a vital role in reaching out to people who are not just in the main cities but also small towns, and just spreading awareness. मैं इस अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में ये संदेश पहुँचा सकते हैं और ये आज का कार्यक्रम इस संदेश को पहुँचाने में काफ़ी हद तक कामयाबी रहा है कि हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनके अंदर जो विशेष क्षमताएं उपलब्ध हैं उन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये शब्द कॉइन किया है दिव्यांगजन। तो उनकी क्षमताओं का हम पूरा देश के विकास में योगदान में इस्तेमाल किया जा सकता है एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में। एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर का मतलब है जहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो दिव्यांगजन हैं और जो
बाकी सामान्य व्यक्ति हैं जिनको हम एबिल्ड समझते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने अपने वक्तव्य में कि कोई भी फुली तरह से एबिल्ड नहीं होता, तो जहाँ साथ साथ मिलते हुए हम देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, उसका संदेश आज यहाँ मिला देखने को। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो क्विज पूछी जा रही हो, सभी लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा नज़ारा था वो।